जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। क्या सारी की सारी भर्ती गई पानी में? जी नहीं, क्या सारी की सारी भर्ती लोकसभा के चुनाव के बाद होंगी? तो मेरा इसका जो जवाब होने वाला है, जी नहीं। स्टूडेंट, मैं आज बात करने वाला हूँ, ये जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे ये अखबार, तो इस अखबार का जिक्र मैं करने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि इस अखबार के माध्यम से जो खबर आज आपको मिल रही है वो खबर हमने आपको 29 फरवरी और 1 मार्च को ही दे दी थी। उस वीडियो को देख भी सकते हैं, हमारे चैनल में वो वीडियो पड़ी होगी। तो उसके माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि क्या कुछ आपके 6 तारीख तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आज उस पर दैनिक सवेरा के माध्यम से खबर से मोहर लगी है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। फिर मैं एक बहुत ही रहस्य की बात मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो अभी अभी अपडेट हमारे पास आ रही है। ये खबर तो शायद आप देख भी चुके होंगे, तो थोड़ा सा एक मिनट में मैं इसका जिक्र कर लेता हूँ क्या कुछ मामला ये आज का रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित भर्तियों की समीक्षा की। HSSC आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी पद पर रिजल्ट घोषित नहीं करेगा। इस बात की चर्चा तो मैं आपसे 2 से 3 दिन पहले ही कर चुका था कि भी सारे के सारे रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है, एक भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट में चल रहे केस के अंतरिम आदेश या फाइनल आदेश आने तक अगली कार्रवाई फिर बाद में होगी, 6 तारीख के बाद होगी। तो इसमें एक बार मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, वैसे तो सब पढ़े लिखे होंगे, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। HSSC भर्ती से जुड़े संबंधित मामले में 1 मार्च की समीक्षा बैठक में हरियाणा कर्मचारी बैठक की, तो ये सारा देख लेना यार, वो ये है ना, बैठक हुई, बैठक में बलदेव राज महाजन जी थे और मुख्यमंत्री मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी थे, उप सचिव वी उमा शंकर थे, अन्य उपस्थित थे। तो बैठक में माननीय CM साहब के द्वारा एक सख्त आदेश और निर्देश दे दिए गए कि किसी भी तरह हो, सामदान दंड भेद येन केन प्रकारेन, किसी भी तरह हो, 6 तारीख का केस क्लियर होना चाहिए। नीतियों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई, चूंकि हाईकोर्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड और मुख्य परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाने और अन्य मुद्दे लंबित हैं जिन पर आगामी मार्च को सुनवाई होनी है, इसलिए चर्चा के बाद यह तय हुआ कि आयोग फिलहाल ग्रुप सी की किसी भी कैटेगरी का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा और हाई कोर्ट के 6 मार्च के अंतरिम आदेश या पूर्ण आदेश का इंतजार कर लिया जाए। हाई कोर्ट में चूंकि 4 गुना छांटने का मामला भी अभी लंबित है, इसलिए जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर भी फिलहाल नहीं लिया जाएगा। तो बच्चों, ये जितने भी कॉमर्स वाले एग्जाम है, जितने भी ग्रुप्स के एग्जाम बचते हैं, तो उनके लिए बुरी खबर है। ये बात का जिक्र तो खैर मैं पहले भी कर चुका था। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपको इससे अलग भी मैं बात बताने वाला हूँ। इस जिस साथी ने ये बात भी नहीं देखी है वो इस बात को भी देख ले। जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का जो पेपर हुआ था उसमें अनारक्षित कैटेगरी में ज्यादा संख्या में उम्मीदवारों के शॉर्टलिस्ट हो जाने के जरूरी डिप्लोमा की योग्यता न होने के कारण यह परीक्षा विवादों से घिर गई। चूंकि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का पेपर सुबह होना था और रिवाइज रिजल्ट पेपर के दिन वाली रात को अपडेट करनी पड़ी थी, इसलिए जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देखा जा सका, इसलिए 4 गुना के फॉर्मूले से बुलाए जाने का यह फैसला होने के बाद बचे ग्रुपों के पेपर पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, साथियों एक बार चैनल को सारे साथी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खबर आने से पहले हम आपको खबर दे देते हैं। विश्वास नहीं होता, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल की, में उसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, पिछले 2 से 3 दिन की वीडियो, उनको उठा के देख लीजिएगा। हर वीडियो में आपसे जिक्र किया होगा और जो जो बातों का जिक्र किया है सेम ऐसी ही एज इट इज बातें वो आपको देखने को भी मिल रही होंगी। आयोग के अंदर खाते के एंगल से कर रखी है तैयारी, मतलब हर एंगल से रिजल्ट तैयार कर रखा आयोग ने। भाई कुछ भी हो जाए, फाइनल रिजल्ट देखो, हाल में तो 99% चांस है कि 6 तारीख को और 7 तारीख को आपका फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाए, लेकिन उसके अलावा 1% हम ये भी मान के चलते हैं कि अगर फाइनल डिसीजन नहीं भी आता है, लेकिन तब भी हर एंगल से HSSC आयोग ने कुछ रिजल्ट तैयार कर रखे हैं, किसी भी तरह आ जाना वो रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया जाएगा। क्या कुछ वो रिजल्ट है, क्या कुछ इसमें सिस्टम है वो देख लेते हैं, बता देता हूँ। हाई कोर्ट में केस लंबित रहने के कारण ग्रुप सी पदों की अब तक
वो पेपर चुके ग्रुपों के अंदर खाते हुए एंगल से तैयारी कर रखी है। हाई कोर्ट के जैसे भी आदेश आएंगे उसी एंगल से रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हाई कोर्ट के किसी अंतरिम आदेश के तहत रिजल्ट निकाला जा सकेगा तो आयोग बिना देरी के, स्टूडेंट लिखा है बिना देरी के रिजल्ट घोषित कर देगा। इसलिए अंदरूनी तौर पर यह तैयारी की गई है। अगर कोई अंतरिम या फाइनल आदेश नहीं आया तो इन ग्रुपों के रिजल्ट फिर लोकसभा के चुनाव के बाद ही निकल पाएंगे। लेकिन इस बात को बिल्कुल अभी के लिए आप कट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसी कोई सरकार की मंशा है ही नहीं कि लोकसभा के चुनाव के बाद वो रिजल्ट को ले जाने की कोई कोताही भी बरतेंगे। मैं इतने दावे के साथ क्यों कह सकता हूँ, स्टूडेंट, सरकार भारत में वोट बैंक की राजनीति है दोस्त, और सरकार के मात्र केवल यही एक मुद्दा है नौकरी का। अब नौकरी एक भी दी नहीं, वादा कर चुके थे विधानसभा में 29 तारीख तक 29,000 वैकेंसी देने वाले हैं, लेकिन अभी तक ना एक नौकरी दी ना एक ज्वाइनिंग दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर हाई कमान आला कमान सीएम मनोहर लाल खट्टर पे। उनका जो बयान है वो झूठा हो गया। झूठा तो क्या कहेंगे, उनके तो बयान झूठे कितने सालों से होते आ रहे हैं, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं। लेकिन इलेक्शन के मोड पर आकर, ऐसे क्रूशियल मोड पर आकर ये बयान देना उनके लिए लोकसभा के चुनाव के लिए खतरा मोल लिया जा सकता है उनके द्वारा। तो इस वजह से बच्चों की वोट की चोट पड़ने वाली है। इसलिए सीएम मनोहर लाल खट्टर आयोग भी ये तय करे कि सारी की सारी भर्तियां लोकसभा के चुनाव से पहले हों, और पूरी की पूरी तैयारी के साथ अब की बार HSSC आयोग फुल तैयारी करने के लिए जाने वाला है, जैसे हमारे पास अंदर से भी खबर आ रही है, क्योंकि कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहता है। क्योंकि अगर एक बार डेट आगे की बढ़ी तो भाई सारी भर्तियां लोकसभा के चुनाव के बाद जाने वाली है, फिर नंबर आ जाएगा ग्रुप डी पे। मैंने पहले भी बताया था कि ग्रुप डी पे फोकस किया जा रहा है, उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इस वजह से वो वीडियो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, वरना उसकी भी वीडियो में अलग से बनाने वाला था। दूसरी वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। साथियों, ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, बिल्कुल गहरी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ये लगा लेना रहस्यमयी बात बता रहा हूँ, सरकार को कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े 6 और 7 तारीख को, ये मत सोचिएगा केस जो लगे हैं वो 289 है जन 288 है, पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार। तो ये मत सोचना बिल्कुल कि भी पीछे केस है तो क्या होगा, ऑर्डिनरी केस है तो क्या लेट हो सकता है मामला कोर्ट में, नहीं, अगली तारीख मिल सकती है। भाई फुल पैरवी के मूड में है, जल्दी नंबर ले लिया जाएगा केस का, ऐसी कोई बात नहीं है। 6 या 7 तारीख को केस का डिसीजन फाइनल होने की पूरी पूरी संभावना है, जैसी हवाले से खबर आ रही है। आगे क्या कुछ मामला होता है, क्या राधा रानी करती है, क्या परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, क्योंकि उससे बड़ा ना आयोग है ना सरकार है, सबसे बड़ी सरकार हमारी राधा रानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और कामना करता हूँ मैया से, राधा रानी से, कि आप सभी का भला करेंगे। आपने जो मेहनत की है आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिले, और आपके घर में एक रोजगार का दिया और एक चिराग जल सके, जिससे आप और आपके माता पिता और आपके परिवारजन और सभी संबंधित सबको एक खुशी का मौका मिल सके, आपके घर में एक होली, एक अच्छी आने वाली होली मन सके। तो स्टूडेंट यही जानकारी थी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नेगेटिविटी से अभी 2 से 3 दिन दूर रहिएगा। जब 6 तारीख का रिजल्ट आ जाए देन उसके बाद फिर सोचते हैं कि क्या होता है कैसे होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा का काम करता है, हम दोगुने उत्साह के साथ आपके लिए खबरें निकाल निकाल कर लाते हैं, चाहे आयोग से निकालने की बात हो या सरकार के मुनाइंदों से निकालने की बात हो या किसी भी तरह से कहीं से भी कोई भी सोर्स हमको किसी भी तरह का लगाना पड़े, आपके लिए खबरों को पहले और सटीकतर विश्लेषण के साथ जानकारी देने का काम करते हैं। साथियों, अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप हमारे इस चैनल को, आप अपने इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। तहे दिल से अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच। राधा राधा, जय श्री राधा।